जनपद हल्द्वानी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर शहर में सुंदर झांकियों के बीच भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है। इसके साथ ही नगर कीर्तन में निशान साहिब गुरु गोविंद सिंह की झांकी, अकाल पूरब की फौज और पालकी साहिब की यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया है। बता दें कि इस नगर कीर्तन में निशान साहिब गुरु गोविंद सिंह की झांकी, नगाड़ा, घुड़सवार, सिख नौजवान, महिला जत्था समेत नगर कीर्तन में शामिल हुई और आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान गुरु तेग बहादुर स्कूल के छात्र छात्राओं ने बैंड और शब्द कीर्तन कर पंजाबी लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सब साथ संगत को लाख लाख बधाई देते हैं। ये संदेश है सारे सिख धर्म द्वारा जो आज गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व मना रहे हैं। इसमें सभी को एकता का, सबको साथ चल मिलकर चलने का सिख संगत संदेश देती है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव हम लोग मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज सर्वस्वदानी, जिन्होंने अपना सर्वस्व वार दिया, पिता वारे हिंदू धर्म की खातिर, सनातन धर्म की खातिर, जो कश्मीर से पंडित आते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भाई उन्होंने कहा कि हमारा धर्म खतरे में, हमको बचाया जाए। सनातन धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने पिताजी को इस धर्म का शहीद होने के लिए दिल्ली भेजा। उसके बाद इस धर्म की खातिर उन्होंने पूरा परिवार वारा, बच्चे वारे, माता जी ने भी शहीदी दी, खुद भी धर्म की खातिर कुर्बान हुए। गुरु गोविंद सिंह साहब जी का गुरपुरब मनाया जाता है और यहाँ से रामलीला ग्राउंड से नगर कीर्तन निकलता है। खालसा स्कूल के बच्चे सभी पार्टिसिपेट करते हैं और नगर पूरे मतलब ये रेलवे बाजार से होते हुए और सिंधी चौराहे से होते हुए पूरे रामलीला ग्राउंड में फिर वापस आते हैं, यहीं से शुरू होकर यहीं पर समाप्त होता है। आज मैं यहाँ मनाने के लिए हर वर्ष 3 जनवरी को ये यहाँ मनाया जाता है। मैं अलग अलग धर्म को यहाँ दर्शा रही हूँ। मैं उत्तराखंड को दर्शा रही हूँ। यहाँ खालसा के बच्चे अलग अलग धर्म को बताने के लिए आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि धर्म अलग अलग मानते हैं लोग, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। 356वां प्रकाश पर्व हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का बना रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सनातन धर्म है सबके गुरु है, क्योंकि ये ना होते तो आज हम पता नहीं ये ग्रुप बना रहे होते या नहीं बना रहे होते।